पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने पाइथन में ओपन सीवी का यूज़ करके फ़ोटो को ग्रे करना और स्केच जो एज डिटेक्शन है वो हमने देख लिया था। आज हम लोग फेस डिटेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ मेरे पास एक डायरेक्टरी में मेरे पास एक फ़ोटो है जिस पर हम लोग इसका फेस डिटेक्ट कर इस पर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास एक प्रोग्राम है और यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML फाइल को। देखिए ये XML फाइल हम लोग जब यूज़ करते हैं ओपन सीवी में तो ये क्लासीफायर है फेस डिटेक्शन के लिए। इसी प्रकार से हमारे पास आईज़ का भी क्लासीफायर आता है, तो अभी मैं फेस डिटेक्शन का क्लासीफायर यूज़ कर रहा हूँ, कैस्केड क्लासीफायर, जो कि मेरे पास यहाँ पर है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, GitHub पर बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी मेरे पास ये फ़ोटो है जिसका मैं फेस डिटेक्ट करके देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंपोर्ट सीवी हम लोग जो करते हैं CV2, और यहाँ मैंने कैस्केड क्लासीफायर इसकी लोकेशन को यहाँ पर दिखाना है। देखिए चूँकि ये प्रोग्राम मेरा उसी डायरेक्टरी में है जहाँ पर मेरी XML फाइल है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर ये कहीं और होता तो आपको पूरा पाथ देना पड़ता, मान लीजिए डी ड्राइव में न्यू फोल्डर के अंदर है तो आपको ये पूरा ऐसा लिखना पड़ता कि ये कहाँ पर आपका ये स्टोर है जो क्लासीफायर फाइल्स हैं हमारी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं फोटो डॉट जे पी जी कहाँ है। भाई ये फ़ोटो जो मेरे पास डायरेक्ट्री में है इसी का फेस डिटेक्ट करने वाला हूँ मैं, कैमरे से इनपुट नहीं लेने वाला। तो सबसे पहले मुझे इसको ग्रे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रे के लिए हम लोगों ने CVT कलर, जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा CVT कलर, अगर नहीं देखा तो मैं बता दूँ आपको, ये CVT कलर जो फंक्शन है ये नॉर्मल जो इमेज होती है BGR को इसको ग्रे में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपकी ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओपन सीवी में क्या होता है कि जब भी हम लोग फेस डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं तो हमको ग्रे फोटो लेना पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इस प्रोग्राम पर, और यहाँ हम लोगों ने ये दे रखा है दूसरा, ये IMG के अंदर ये अपना स्टोर हो जाएगा। और यहाँ आप देखने वाली जो चीज़ है मल्टी डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 1.3 हम लोगों ने लिया है, ये स्केल फैक्टर लिया है। स्केल फैक्टर अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका जो फेस डिटेक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, बट आप यू में मिस मैनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, जैसे कि वो हो सकता है चेहरा पहचाने ही नहीं। आगे देखते हैं, और ये रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने एक ये बना दिया है जिससे कि चेहरे के ऊपर जो ये डिटेक्ट कर रहा है हमारा डिटेक्ट मल्टी स्केल, वो जितना चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है उसको कर देगा। तो यहाँ देखिए ये फ़ोटो को लिया है, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और ये प्रोग्राम हमारा बन गया और ये इसने राइट कर दिया YP.JPG। अभी YP.JPG फाइल को हम लोग देखेंगे। चलिए वापस आते हैं, देखिए YP.JPG फाइल हमारी ये बन गई है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे फेस के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बन गया है। देखिए फेस को डिटेक्ट किया है हार कास्केड क्लासीफायर की से और डिटेक्ट मल्टी स्केल का यूज़ करके, और जो रेक्टेंगल बनाया है हमने वो ये फॉर लूप में हम लोगों ने देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल एक फंक्शन है CV2 के अंदर। तो ये था हमारा किस तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरे से भी इनपुट ले सकते हैं। कैमरे से इनपुट लेने के लिए वीडियो कैप्चर आपको यूज़ करना पड़ेगा, कैमरा पोर्ट 0 और 1 आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट कैमरे से इनपुट लेके और उसके चारों तरफ आप एक फ्रेम बना सकते हैं, और चाहें तो आप उस फोटो को सेव भी करा सकते हैं। यहाँ मैंने एक जो प्रोग्राम बनाया है इसमें एक यहाँ पर वेट की लगा दी है 2 सेकंड के लिए, और क्यू का वो ऑप्शन दे रखा है कि क्यू, तो जब तक क्यू नहीं दबाएंगे तब तक वो आपका वो दिखाता रहेगा। यहाँ भी उन लोगों ने फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML फाइल यूज़ की है। तो ये देखिए ये हमारा फेस दिख रहा है, जैसे ही मैं क्यू दबाऊंगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो फेस है वो स्टोर हो जाएगा। ये देखिए एक फ्रेम बना के इसने स्टोर कर लिया है और फिर बाद में IM शो से वो दिखता भी है। तो ये देखिए ये फ्रेम आपके चारों तरफ बन गई है। वीडियो कैप्चर का यूज़ हमने किया था कैमरे से इनपुट लेने के लिए, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमको यूज़ करना है वो करना है हार कास्केड डॉट आई। आई क्यों यूज़ कर रहे हैं, लोगों आई का भी डिटेक्शन हमको अगर करना है, यानी आई डिटेक्ट करके उसके दोनों आईज़ के ऊपर रेक्टेंगल अगर हमको बनाना है तो हम लोग यहाँ पर हार कास्केड आई, देखिए दोनों पर रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे। हार कास्केड क्लासीफायर जो हमारा आई के लिए है वो आँखों को डिटेक्ट करेगा, फिर बाद में हम लोग रेक्टेंगल फंक्शन से उस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे जो उनको वो डिटेक्ट करने वाला है। तो यहाँ हम लोग दोनों चीज़ों का यूज़ एक साथ करने वाले हैं, फ्रंटल फेस डिफॉल्ट और हार कास्केड आई का भी यूज़ करेंगे। तो फेस के चारों तरफ रेक्टेंगल बनेगा
और आई, दोनों आईज के ऊपर भी हमारे पास रेक्टेंगल हमको बन जाएगा। यहाँ देखिए ये फिर से स्केल फैक्टर जो हम लोगों ने 1.3 लिया हुआ है, यहाँ हम लोग दो लूप लगाने वाले हैं फॉर के लिए। फॉर लूप दो लगाएंगे रेक्टेंगल बनाने के लिए, एक फेस पर लगाने के लिए और एक आई पर लगाने के लिए। देखिए डिटेक्ट करने का काम हमारा कास्केड क्लासीफायर करना है, और डिटेक्ट करने के बाद ये मल्टी स्केल हम लोग कर ही रहे हैं, और कास्केड का जो फंक्शन है फेस कास्केड का डिटेक्ट मल्टी स्केल और वहाँ कर रहे हैं। यहाँ वेट की मैं दो जोड़ता हूँ जिससे कि थोड़ा देर के लिए फ़ोटो हमारी दिखाई दे। सेव करने वाला हूँ इसको, और अब मैं इसको करता हूँ रन। तो ये देखिए फेस के चारों तरफ हमारे पास वो मिल गया, और फिर से चला के देखता हूँ मैं, फेस के चारों तरफ रेक्टेंगल बन गया और आई के बाहर भी बन गया है। तो ये दो फंक्शन हम लोगों ने इसमें बनाए थे रेक्टेंगल के लिए, और हर कास्केड आई का यूज़ किया था जिससे कि ये आईज को डिटेक्ट कर पाए।